अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। वाशी के रहवासियों के लिए जिला अध्यक्ष अनिल कौशिक की पहल, डोर स्टेप पर उपलब्ध करा रहे सब्जी और खाद्यान्न। लॉकडाउन और कोरोना के भय से परेशान वाशी सेक्टर 17 के रहवासियों के लिए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने डोर स्टेप तक सब्जी और खाद्यान्न उपलब्ध कराने का उपक्रम शुरू किया है। वाशी के सेक्टर 17 में खड़ा यह ट्रक नागरिकों को सब्जियां उपलब्ध करा रहा है। नागरिकों ने कहा कि ऐसे समय में जब कोरोना का प्रकोप ज़्यादा है और लॉकडाउन के कारण बाहर जाना मुश्किल है, तब घर के नज़दीक राशन सब्जी उपलब्ध होने से बड़ी राहत मिल रही है। उन्होंने कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक एवं सुदर्शना कौशिक का इस पहल के लिए आभार जताया। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है कौशिक सर का। एटलीस्ट हम लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं एरिए की वजह से नहीं हो रहे, क्योंकि एरिए अभी जो COVID-19 की वजह से एटलीस्ट हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, और जो वेजिटेबल्स वगैरह जो डबल रेट में हम लोग को बाहर मिलता है, डबल से भी आई थिंक ज़्यादा, लेकिन वो हम लोग को प्रॉपरली घर पे अपने एरिया में अरेंज करवा के दे रहे हैं, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। एटलीस्ट उसके अलावा हम लोग को कुछ ग्रॉसरीज वगैरह भी टाइम टाइम पे अवेलेबल हो जा रही है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बट यू शुड मेक कंसर्न फॉर सीनियर सिटीजन, आई एम 85-86 इयर्स ओल्ड, कांट वेट फॉर दैट, सो यू मेक सम परमिशन टू टेक सीनियर सिटीजंस आइटम्स, सो अदरवाइज यू आर डूइंग अ बेस्ट जॉब, थैंक यू वेरी मच। सुविधा दिया है, बहुत अच्छा है, हम सीनियर सिटीजन के लिए इजी पड़ता है, भाजी भी एकदम सब्सिडाइज है, नहीं तो बाहर निकलना हम लोग को मुश्किल होता है, मगर ये दिया है बहुत अच्छा है, सस्ता भी है और एकदम हम लोग का बाइबल बजट में भी है, बहुत अच्छा पड़ता है, बाहर निकलना भी मुश्किल नहीं है, एकदम दरवाजे के सामने पूरा आते हैं, इसके लिए बहुत थैंक्स है। वहीं कांग्रेस नेता सुदर्शना कौशिक एवं जिला अध्यक्ष अनिल कौशिक ने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना से लोग परेशान हैं, उनकी मांग के बाद हमने डोर स्टेप सब्जी और खाद्यान्न उपलब्ध कराने का मन बनाया। उन्होंने कहा कि हम राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इस सुविधा से नागरिक खुश हैं, यही हमारा मकसद था। ये जो वार्ड है ना, ये वार्ड ने मुझे डिप्टी मेयर बनाया था, जो ये कहते मैं करता हूँ, क्योंकि इस शहर का एक हिस्टोरिकल पोस्ट ये लोग के ब्लेसिंग से मिला है। अब बीच में हमने जब कोविड का लॉकडाउन था तभी शुरू किया, इन्होंने डिमांड किया था, अब लास्ट 15 डेज से डेली डिमांड आ रही कि हम बहुत परेशान हैं, दूर जाना पड़ता है और कोविड ज़्यादा फैलता जा रहा है, इतना पहले नहीं था, इतना अभी है, अभी इसकी ज़रूरत है, पहले नहीं थी, पहले हम निकाल लेते थे, आदमी 7 दिन 10 दिन 15 दिन निकाल सकता है, 2-3 महीना नहीं निकाल सकता है, तो हम सब लोग कहाँ जाएंगे। तो इनके वापस डिमांड आने से हमने फिर वापस स्टार्ट किया, तो उसमें मोस्टली तो देखने जाएगा तो मेरी मिसिज ज़्यादा वो हैंडल करती है, और इसमें ना पढ़े लिखे दोनों एडवोकेट हैं, वो एडवोकेट जयेश है, एडवोकेट जितेंद्र है, कोई ड्राफ्टमैन है, कोई इंजीनियर है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये मन से ना सेवा कर रहे हैं, और ये जो लोग खड़े ना, ये एक यहाँ की एक डिसेंट पब्लिक है, एजुकेटेड पब्लिक है, इनको मालूम है लॉकडाउन में सेफ डिस्टेंस कैसे करने का, कैसे करने का, कुछ बोलना नहीं पड़ता किसी को, ये अपने आप ही करते हैं, किसी को बताना नहीं पड़ता है, तो एक सेवा है, पॉलिटिक्स छोड़ के सेवा भाव के हिसाब से मैं मेरा पूरा परिवार इनके लिए उतरे हैं। ऐसे डिफिकल्ट टाइम में अगर हमारे जैसे सोशल वर्कर अगर सामने नहीं आएंगे, घर में बैठेंगे, तो फिर हमारी सेवा का कोई मतलब नहीं है। हमने पॉलिटिक्स नहीं करनी है, सेवा करनी है, पॉलिटिक्स को बाजू में छोड़ के हम सेवा कर रहे लोगों की, और जो रेट में सब्जी मिलती है हमको मार्केट में, वही रेट में इनको देते हैं हम लोग, जो वेस्टेज होता है, जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है वो हम उनके साथ नहीं जोड़ते हैं, और उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं हमेशा ही बोलती हूँ मुझे सेवा करनी है, और करती हूँ और करती रहूँ। ये टाइम ऐसा है कि भाई उनकी भी मजबूरी है और हम लोग की भी ऐसा है कि भाई ऐसी मजबूरी में वो बाहर नहीं आए, ये बीमारी से दूर रहें, और हमारे यहाँ सेक्टर 17 में ज़्यादातर सीनियर सिटीजन लोग काफ़ी हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सब अपने घर पे सेफ रहें और स्वस्थ रहें, उनकी जो भी डिमांड होगी, जैसा भी उनका होगा, जैसा हमारे से बन पड़ेगा, उनकी सेवा हम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।